प्रेम शास्त्र की बात समझी जाती हो वहां शस्त्र उठाने की कोई जरूरत, और वस्त्र माया का प्रतीक है। जहां जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होता हो वहां माया की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए भगवान ने तीन चीज पृथ्वी तल पे पाप बढ़ गया है, दस कंधर का दसों दिशाओं में विजय प्राप्त हो गया है। दस कंधर ही दस ग्रीव और दशानन के नाम से इसे जाना जाता था। दस कंधर को रावण क्यों कहा गया इसके बारे में शायद पूर्व प्रवक्ताओं ने बताया होगा आप लोगों को या नहीं, खैर जैसी व्यवस्था हम बताते हैं आपको समझिए। दस कंधर, दस ग्रीव और दशानन के नाम से जाना जाता था ये, फिर इसका नाम रावण कैसे पड़ा? दसों दिशाओं पर विजय पाने के बाद दस कंधर भ्रमण करता हुआ एक दिन कैलाश पहुंचा था। वहां पर उसकी मुलाकात नंदी से होती है। दस कंधर के जाने पर उसका अतिथि सत्कार नहीं होता है, क्रोध आ जाता है और कहता है कि ये बताओ यहां कौन रहता है? नंदी ने कहा यहां पर देवाधिदेव महेश्वर रहते हैं। बोलवा अतिथि परायणता जहां ना हो वहां साधारण मानव नहीं हो सकता, ये देवाधिदेव महेश्वर कैसे हो गए? नंदी कहा अगर सम्मान चाहते हो तो सम्मान से आना सकते, टेक रिस्पेक्ट एंड गिव रिस्पेक्ट। इज्जत चाहते हो तो इज्जत देना सीखो, और अगर तुमने इज्जत नहीं दिया तो कदापि तुम्हें इज्जत नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर आज तुम्हें इज्जत मिल रही है तो उस प्रभु की कृपा से मिल रही है, किसी के माध्यम से मिल रही है। जिसके माध्यम से तुम्हें इज्जत मिली है अगर उसकी इज्जत तुम नहीं करोगे तो तुम्हें तुम्हारी आत्मा खुद नहीं इज्जत देगी, समाज को बहुत दूर की बात। देवाधिदेव कैसे हो गए इस पे तर्क चढ़ गया। लोग कहते हैं ना कि इसको ज्यादा ज्ञान या मुझे ज्यादा ज्ञान। दस ग्रीव, दस कंधर, दशानन ने कहा मैं दसों दिशाओं का विजेता, मेरे आने पर अतिथि परायणता नहीं हुई। तर्क होने लगा और यहां व्यंग कहा है। दस कंधर ने रामचरितमानस को पढ़िएगा, व्यंग कहा दस कंधर ने, बड़ा गर्व करते हो अपने शिव पर, तुम्हारे शिव ने तुम्हें बंदर जैसा मुख क्यों दे दिया? व्यंग बोला है, क्या दिया तुम्हें तुम्हारे शिव ने? आज बड़ा सुंदर भाव से नंदी ने जवाब दिया कि भाई जिस समय महाकाली की प्रत्यक्षता, महाकाली का क्रोध जला हुआ था, शिव को मैंने चारों पैरों के बीच में रखा था और इसे सिंह से युद्ध की थी। शिव को मैंने अगर ऐसा किया तो मेरा कर्म था, क्योंकि मैं उनका सेवक हूं और सेवक का काम है स्वामी के सम्मान को बढ़ाना, उसकी सुरक्षा करना, उसको सहयोग देना। लेकिन मात्र इतना त्याग करने से मेरे शिव ने अपने से पहले मेरी पूजवा करवा दी, ये तो सिर्फ गुरु और भगवंत ही कर सकता है और किसी के बस की बात नहीं है। छोटा सा त्याग, एक त्याग किया और उसी दिन शिव ने कह दिया था कि जाओ आज के बाद पहले नंदी की पूजा होगी बाद में शिव की पूजा होगी। तो बिना त्याग के कुछ मिलता नहीं, जब तक त्याग नहीं करोगे भाग्य उदय नहीं हो सकता। तुझे से कहे कि मैं बड़ा, सब कहते हम बड़े, शेष कहे कि हम बड़े, लियो फन पे धरती उठा, महेश कहे नहीं हम बड़े, लियो शेष गले लपटा, तुम शेष बड़े न महेश। अब यहां दशकंदर की वही कथा, दशकंदर ने नंदी की बातों को देखा और क्रोध में आकर पूरे कैलाश को उठा लिया।
दबा दिया तो रावण राहिमा महादेव। और इतने भी मुझे प्रसन्नता नहीं हुई तो रावण ने कैलाश पर जाकर के स्तुत किया, जटाट बीच गच्छ लंब चलो स्रोतों को नृत्य किया और उसके पादाघातों से एक झील बन गया। उसे आज भी अगर जाओगे तो राक्षस झील के नाम से जानते हैं। हमने तो पूरी बनाई हुई है, हमारे पास पूरी मानसरोवर यात्रा है। आज भी उस झील का पानी रक्त वर्ण का ही है, राक्षस झील के नाम से। उसके बाद भी जब शिव प्रसन्न नहीं हुए तो मस्तक काट काट कर शिव को चढ़ाया था। तब शिव ने कहा था कि जा, आज तूने अपने पापों का प्रायश्चित करके रुदन किया है, आज से तेरा नाम दशगंध नहीं रावण होगा। पाप का प्रायश्चित करके रोने वाले का नाम रावण होगा। रावण 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 का मतलब ही है पढ़ो में आता है, पाप बढ़ गया है। अगर कोई वेद गा रहा है उसके श्लोक दशकंदर के कानों में राक्षसों के कानों में पड़ती है तो उसे पकड़ते हैं, बहुविध त्रास ही देश निकास ही। जो पढ़े वेद पुराण, जो वेद पढ़े जो पुराण पढ़े उसको बहुत तरीके से तकलीफ देने लगे, देश से निकालने लगे। आज भी वही हो रहा है, भागवत कथा चल रही है, श्लोक चल रही है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। बहुविध त्रास ही देश निकास है। अगर वेद के श्लोक कान में आ जाए तो लोग पापी हो गए रावणों के जैसे। ऐसा जो करे उसको सजा देते थे। मंदोदरी को स्त्री का स्वभाव है कभी पति पर विश्वास ना करना, कहीं ना कहीं संशय रह जाता है। तो राम ही जाने नारी स्वभाव। ऐसे ही मंदोदरी ने कहा है, दशकंदर मुझे पता है तुम्हारे में बहुत शक्ति है पर संशय है। क्या संशय? कि मैंने सुना है दशकंदर कि अगर तुम अट्टहास करके गर्जन कर दो तो गर्भवती महिला का गर्भपात हो जाता है। दशकंदर अगर अट्टहास करके गर्जन कर दे तो गर्भवती महिला का गर्भपात हो जाता है। मुझे कोई कमी नहीं है, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं गर्भवती हूं, मुझे ये परीक्षा लेनी है। 8 महीने का गर्भ था मंदोदरी को, दशकंदर ने अट्टहास करके गर्जन किया और मंदोदरी का गर्भपात। अब उस मल को उठा करके, उस रक्त स्राव को उठा करके उस मटके में डाल दिया जिसमें संतों का रक्त कर्म लिया करता था और तुरंत आकाशवाणी हुई है, दशकंदर सूर्य होने तक के पात्र जहां रहेगा वहां अकाल हो जाएगी, बरसात नहीं होगी। दशकंदर वहां से लेके चला महाराज, जनकपुर में पहुंचता है, सूर्योदय होता है, वही उस मिट्टी को घड़े को दबा देता है। जनकपुर में अकाल पड़ जाता है। आज भी अगर बारिश नहीं हो, मंगलकारी ना हो तो परंपरा है कोई हरि कीर्तन करता है, कोई अखंड रामचरित मानस का पाठ करता है, कोई जगत कल्याण के लिए यज्ञ करता है। ऐसे वहां के विद्वानों ने कहा कि अगर राजा और रानी हल चलाएंगे, राजा रानी अगर हल चलाएंगे तो वहां से बरसात होगी और इसी हल की फाल में वो मटका फंसा, वहां से आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की उत्पत्ति हुई। बोलो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा। भगवान का अवतार बाद में हुआ है, पार्षदों का अवतार पहले हुआ। अब आगे ना बात नहीं कि न शेष बड़े न महेश, रावण कहे कि मैं बड़ा, लियो कैलाश उठाए। बाल कहे नहीं मैं बड़ा, लियो रावण का गबा।
ब्राह्मण कहता मैं बड़ा, मैंने कैलाश उठा लिया। तो बाली कहता नहीं नहीं, तूने कैलाश उठाया होगा, मैंने तुझे 6 महीना मेरे काख में दबा लिया। तो बड़ा देख परमात्मा है तुम्हारा, वही कारण था अयोध्या में दशकंदर को पूर्ण रूप से ज्ञान था कि मेरी मृत्यु का जन्म अयोध्या में ही होगा। और खाली राम से नहीं युद्ध किया है उसने, समय को देख रहा है थोड़ा, फिर कभी राम कथा होगी तो अंदर से बताएंगे कि महाराज रघु ने जब शक्ति पीठों का प्रथम स्थापना किया था तब से यही तो करता आया था। और प्रमाण तो यहां तक मिलता है कि मंत्रों से दशरथ की खष्टी कर दी कि यहां पुत्र पैदा ही नहीं। आज महाराज दशरथ को कारण है अवतार का, ऐसे नहीं कोई अवतार होते हैं, किसी ना किसी कार्य का एक माध्यम होता है। चौथापन आ गया है महाराज दशरथ का, कान के नीचे के बाल सफेद हो गए हैं। एक दिवस भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही, आत्मग्लानि हुई कि मेरे कुल में कोई बेटा नहीं है। अब बेटा नहीं है तो रोना किससे है, है? आजकल लोग पड़ोसी से रोते हैं। नहीं नहीं, हमारी गुजरात में कहावत है कि जारे तुमने कम थाए हसवानो नथी, रोया करो अपना जीवन में जे थाए ते जोए, कि जारे तुमने कम थाए हसवानो नथी, रोया करो अपना जीवन में जे थाए ते जोए। मतलब जारे तुमने कम थाए, जब आपको मुसीबत आए तो रोया करो। जारे तुमने कम था रोया करो, पर क्या रणवानु छे तुम्हारे, गुजराती आवी गए मैं जाओ जाओ। जब मुसीबत आए तो रोया करो, पर रोना कहां, पड़ोसी के घर। कह रही मन निज मन की न था, कतहु न कहिए रोए, सुनी ठलई है लोग सब बात न लई को। अपने मन की व्यथा किसी के आगे रोने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोग सुनते हैं रोके और उड़ा देते हैं हंस के। रोना कहा है, परमात्मा के चरण एक छोटी सी कथा। बंद दरवाजों में आवाज लगाया न करो, बंद दरवाजों में बंद दरवाजे पे आवाज लगाकर आपको कोई उत्तर नहीं मिलता। इससे इस दुनिया के सामने रहम की कुछ मांगने से कोई साथ नहीं। आपकी आवाज आपकी पूछ इन पागलों के तले तक ले जाएगी, बेरहमों की नजर में रहम नहीं मिलते। रोना है परमात्मा के चरणों में, गुरु के चरणों में जो सब कुछ दे दे। लोग पहले
जमाने से जहां हर कदम पे मिलती है वो फायदे। क्या सजाऊं सपने कि साथ में ले आएंगे, यहां तो मिलने से पहले ही जुदाई है। उससे क्यों नहीं मांगते जो देने के लिए दरवाजा खोल के बैठा है? ये तो देने के लिए बैठा है, इससे नहीं मांगते हो, उससे क्यों मांगते हो जो देने के लिए मुंह फेर के बैठा है? महाराज दशरथ को लगा कि मेरे कुल में पुत्र नहीं तो कहां गए, कि गुरु गृह गए वो गुरु के पास। अब गुरु के पास जाना तो कैसे होना चाहिए? पहली बात, गुरु के आगे जब बैठो तो गुरु के आगे कान खुले मुंह बंद होने चाहिए। कथा श्रवण में कान खुले मुंह बंद, नहीं तो कथा में श्रोता सरवता सरकवता ऐसे लोग आते हैं, श्रोता जो सुन करके जीवन में उतारते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। अब सरवता यानी सरवता वो सुपारी जैसे काटते हो कि जब हम अपनी कथा करें हर बात कट कट करे, हम अपनी कथा यल गट करे, अपनी कथा यल गट करे। तो यहाँ पर आप श्रोता बनिए जो आपके जीवन में उतर जाए। गुरु के पास जाना है तो गुरु के पास जाना कैसे, संत के पास जाना कैसे? संत मिलन को जाइए कजि माया अभिमान, जो जो पर गया गे ओ दिन अर्पिस। गुरु से जब आप मिलते हो तो आपके जिह्वा में वात्सल्य भाव, लज्जा और नेत्रों में भय, ये तीनों होना चाहिए। एक बालक की बुद्धि, बच्चा है ना, रामायण आएगा आपको कथा में बताएंगे कि कन्हैया जी को भूख लगी थी और माँ यशोदा नहीं मिलो रही थी। कन्हैया जी ने पहले आके माँ के कान पे हाथ फेरे, माँ माँ माँ, मैया ने नहीं सुना, दही बिलोने में लगी है। कन्हैया जी फिर गोद में चढ़ गए, फिर भी नहीं माने। अब कन्हैया जी हंसते हैं कि सारी दुनिया मेरे पीछे भागती है और मैं इसकी गोद में खेल रहा हूं, फिर भी भौतिक वस्तु में मुझे दूध क्यों ना पिलाती है।
यशोदा ने स्तन कन्हैया के मुख में दे दिया है। अचानक दूध उबलने लगा, कन्हैया के बाजू में खड़ा कर दिया और मैया भाग कर दूध उतारने गई। फिर कन्हैया कहते हैं, कितनी बावली है, समझती नहीं, सारी दुनिया मेरे पीछे भौतिक वस्तु के पीछे भाग रही है। अब कन्हैया जी को क्रोध आ गया और कन्हैया जी उखल पे चढ़ गए और वो शस्त्र या पत्थर उठा लिया और छकिया पे जा करके फोड़ फोड़ करके मक्खन कवियों को खिलाने लगे। ये बात्सल्य भाव जैसे माँ के पास है, यही बात्सल्य भाव शिष्य का गुरु के पास होना चाहिए। गुरु के पास जाके, अरे मैं बड़ा आदमी होगा, बड़ा आदमी तेरे घर का भाई, यहाँ तो कौन है, यहाँ तो आए वेलकम गए वीडकम। महाराज दशरथ गुरु के द्वार पे गए हैं, पहले साष्टांग दंडवत किया। आप तो हाय गुरुजी, बाय गुरुजी, हाय। अभी हाय तो लगेगी ना भाई, यहाँ लगेगा वहां लगे, लगना ही है। जब आप हाथ जोड़कर प्रणाम करते हो, जीवन में विनम्रता आती है। जब हाथ जोड़कर प्रणाम करते हो, जीवन में विनम्रता आती है। झुक के प्रणाम करते हो, अहंकार दूर होता है। साष्टांग दंडवत करते हो, विकार दूर होता है। और जब गुरु के चरणों की अमृति का पान करते हो, तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। साष्टांग दंडवत किया है, जीवात्मा का वास यहां क्षमा चक्र में है और गुरु के पार में दक्षिण पादुका में। अगर हमारे जैसे सकड़ों को मिलोगे तो बड़ी मुश्किल से दाहिना पैर दिखता, उसे छिपा के ही रखते, तो रोकर थोड़ी है, साधना आसानी से दे दे कच्चे बड़े। एक आदमी व्रत करे और उसका पैर छूलो तो फल आपको आएगा। और रामायण में कहा गया है कि गुरु पद मणिगण ज्योति सुमिरत दीपे दृष्टिय ज्योति चरण में कोटि सूर्य मालाओं से तीव्र ज्योति है, जिसके स्पर्श मात्र से ज्ञान चक्षु ब्रह्म कमल कुंडली विशुद्धि चक्र शुद्ध होकर हरि स्मरण की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। और दलन मोह, दलन यानी अंधकार, मोह रूपी अंधकार से दलन मोह भवरूप प्रकाश अंधकार से मुक्त होकर प्रकाश रूपी परमात्मा के दर्शन होते हैं। बड़े भाग्य उरे आवई जासु, उरे यानी हृदय में बड़े भाग्य से गुरु के चरण की रज मिलती है। पर गुरु मिले तो खरा, गुरु कहे किसे, गुरु शब्द है या गुरु पद ब्रह्म है या फिर गुरु शरीर है। वास्तविकता में अगर देखेंगे तो गुरु शब्द है, क्योंकि अगर शब्द ही नहीं होते तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर ही नहीं सकते थे। 14 प्रकार के ब्रह्म की वर्णना है, नाद ब्रह्म, अनहेद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, भेद अभेद, ऐसे 14 प्रकार के ब्रह्म में से शब्द को ब्रह्म माना। गुरु शरीर नहीं है, गुरु पादुका नहीं है और गुरु कभी भी रस स्वादन के लिए नहीं आता। अगर गुरुदेव आपके घर आए और गुरुदेव के
ये इच्छा रहनी है। अगर आपके घर में दाल में नमक नहीं है, सब्जी में मिर्ची नहीं है, तो गुरु ये भी नहीं कहेगा इसमें नमक डाल दो। अगर वो सच्चा सतगुरु है तो माया के पीछे नहीं भागेगा। ऐसा गुरु मिले तो होगा। सतगुरु धन के लिए नहीं भागता। तो आज यजमान के घर जा रहे हैं, अच्छा अच्छा माल खाने को मिलेगा। और अगर आपने आपकी बेटी का एजुकेशन चल रहा है, उसके स्कूल का फीस नहीं भरा, आपकी बूढ़ी मां की दवा करानी है, उसका दवा नहीं कराया और गुरु महाराज को दान दिया, तो गौ हत्या के बराबर मैं मानता हूं कि पहली सेवा मां बाप की होती है। स्वेच्छा से जो दान होता है वही में सम्मान होता है। गुरु विरक्त होता है, गुरु को जीवा का स्वाद नहीं होता, गुरु की कोई इच्छा नहीं होती कि मेरा सेवक के घर जा रहा हूं तो मुझे अच्छा माल मिलेगा। इच्छा नहीं तो होता है सदगुरु। दशरथ जी जाकर के उनके चरणों में लेट गए हैं, साष्टांग दंडवत करिया और कहने लगे महाराज मुझे पुत्र चाहिए। बोले ठीक है, पुत्र चाहिए। बोले ठीक, लेकिन दशरथ पुत्र का कारण बताओ। कहने लगे महाराज अगर पुत्र ही नहीं रहेगा तो मेरे कुल का दीपक कौन जलाएगा। कहे महाराज ये तो मूर्खता भरी बात है, राजेंद्र व्यर्थ है ये विचार, बेटा कब वंश चलाता है, हो जाए कपूत कहीं यदि तो घर को शमशान बनाता है। किसने कहा कि बेटा वंश चलाता है? और अब तक जो जग में आए हैं यह सपना आप कमाया है, क्या ध्रुव प्रहलाद आदि को का बेटे ने वंश चलाया? अपने कर्म से आपके कीर्ति निर्मल होती है। बाकी गुरु के द्वार पे आए हो दशरथ, पुत्र मुलेगा पुत्र सुख नहीं। अगर किसी भी विद्वान को किसी भी संत को कोई क्रिया नहीं आती है तो उसमें ना बताए हमें पता, कोई भी कर हमें पता। यहां एक प्रमाण है, वशिष्ठ जी राज पुरोहित है अवध के, महाराज दशरथ वहां पर गए हैं, लेकिन वशिष्ठ जी ये कह सकते थे कि दशरथ तुम्हारे लिए मैं यज्ञ करूंगा, लेकिन वशिष्ठ ने ऐसा, क्योंकि उन्हें उसका ज्ञान नहीं था, नहीं ज्ञान है तो ज्ञान अर्जन करना सीखो। चुको वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है। वशिष्ठ जी ने स्वयं यज्ञ नहीं किया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ। अगर आपको कोई कार्य नहीं आता है तो उसमें आप आत्मत डालो, अपने बड़े बुजुर्गों से जानकारी लो, आचार्य प्राचार्य से जानकारी लो, क्योंकि अगर अज्ञानता में कोई काम करोगे तो बात बिगड़ जाएगी कि जा को काम उसी को छा जाए और दूजा करे तो डंडा बाजे। वशिष्ठ जी कह सकते थे ना कि भी मैं कर सकता हूं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि श्रृंगी ऋषि को बुलाए क्योंकि वो इसके मर्मज्ञ हैं। ऐसे आचार्यों की पद्धति है, एक सामवेदी, एक ऋग्वेदी, एक यजुर्वेदी, अथर्ववेदी, उच्चारण वही होगा, एक गुम बोलेगा एक गम बोलेगा। दंतव्य शब्दों का उच्चारण कैसे हो, कंठव्य शब्दों का उच्चारण कैसे हो, तालव्य शब्दों का उच्चारण कैसे हो, ओष्टक शब्दों का उच्चारण कैसे हो। किसे कहते हैं ओष्टक शब्द, किसे कहते हैं तालव्य शब्द, किसे कहते हैं दंतव्य शब्द, किसे कहते हैं कंठव्य शब्द। हर महामंत्रों के लिए उपमा है कि इनका उच्चारण कंठव्य में करना है, इनका उच्चारण तालव्य में करना है, इनका उच्चारण दंतव्य में। अस्तु, जिन शब्दों के उच्चारण में इस जिह्वा का स्पर्श दांतों से होता है उन्हें हम कहते हैं दंतव्य। जिसके उच्चारण में जिह्वा का स्पर्श तलवे से होता है उसे हम कहते हैं तालव्य। जिनके उच्चारण से होठों में स्पर्श होता है
उन्हें कहते हैं ओष्ठक, जिनके उच्चारण में कंठ की आवश्यकता, कंठव्य हो, इन्हें हम कहते हैं कंठ। अगर तालव्य स्वर का उच्चारण मैं कंठव्य में करूं तो स्वर भेद हो जाएगा, तो ऐसी खता हो जाएगी कि जैसे हमारे पंडित जी भाव में जाप कर रहे हैं, हमारे जैसे भी लोग जल्दबाजी में वेदंता रक्षति महालक्ष्मी भार्या रक्षति भैरवी, अब गति बढ़ानी पड़ी, समय कम रहेगा, तो दंता न रक्षति लक्ष्मी भार्या भक्षति भैरवी, क्या हो गया फिर? हो गया ना समुल्टा, दंता न रक्षति महालक्ष्मी भार्या रक्षति भैरवी, फिर वहां दंता न रक्षति महालक्ष्मी भार्या भक्षति भैरवी, एक शब्द अकार मकार ओंकार हलंत बिंदी पूर्ण विराम अर्ध विराम, इनकी उच्चारण शैली भी गलत हो जाए तो महामंत्र का उच्चारण गलत होता है, और एक बार महामंत्र का उच्चारण गलत हो जाए तो किया हुआ यज्ञ लाभदायक नहीं बल्कि दोष बन जाता है। इसीलिए वेदों ने कहा कि यज्ञ के जैसा मित्र और यज्ञ के जैसा शत्रु भी, यज्ञ मित्र है और यज्ञ, अगर उसे जन कल्याण के लिए निष्काम भावना से कर रहे हो तो वो आपके लिए मित्र है, और अगर अर्जन धार्जन के लिए कर रहे हो धनार्जन के लिए तो आपके लिए वो शत्रु बन जाए। श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया है, यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, यज्ञ नारायण प्रकट हुए हैं, हव्य दिया है, और दशरथ ने ले जाकर अपनी तीनों रानियों को खिलाया और भगवान राम का अवतार त्रेता में गया। यहां एक बात बताते चलो, जिस समय भगवान जनकपुर में गए थे, जनकपुर की सारी नारियां धाये धाम काम सब त्याग, जब लोगों को पता लगा कि अयोध्या में राम आए हैं तो धाये दौड़ परे धाम घर की ओर काम सब त्याग सब छोड़ करके प्रभु के दर्शन के लिए चल पड़े थे, और माई लोग जो जैसे तैसे ही उठे धावन, जो जैसे थे उसी हालत में उठकर भागते हुए आ रहे थे, कहां प्रभु के दर्शन के, बाल वृद्ध को संग ना लावा, हर सखियों ने कहा था कि प्रभु हमारा कब होगा, हमारा दीदार कब होगा, हमें करो अपनाओगे परमात्मा सेरी, भगवान ने कह दिया जाओ जनकपुर की सखियों इस बार तो मैं किसी का नाम लिखवा के आया हूं, जब मैं तुम्हारा कृष्ण अवतार लूंगा ब्रज में जाकर सारी बालाएं बन जाना सबके साथ आना।